हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ फेस स्क्रब। गाइज, आप होम मेड रेमेडी से कैसे फेस स्क्रब बना सकते हैं मैं वो शेयर करूंगी। आपके घर में सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो मतलब इंग्रीडियंट्स मैं शेयर करूंगी आपके घर में ऑलरेडी होंगे। सो मैं शेयर करूंगी कॉफी वाला फेस स्क्रब। सो मैंने आप लोग के साथ पहले ऑलरेडी शेयर करा था कि कॉफी फेस मास्क कैसे बनाते हैं, एंड वो बहुत बेनिफिशियल था कैसे फेस स्क्रब आपको कैसे फेस मास्क बना सकते हैं 1 रुपीज में। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोग कैसे फेस स्क्रब बना सकते हैं, आपके सारे डेड सेल्स रिमूव कर देगी कॉफी। सो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं कॉफी फेस स्क्रब। सो गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए कॉफी। सो कॉफी को मैं पोर कर लूँगी एक कंटेनर में, एक प्लेट में। देन मैं यहाँ पे लूँगी शुगर। सो गाइस, आप शुगर यूज़ कर सकते हैं, आप क्रस्टेड वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मल शुगर जो होती है ना अपने किचन में, मैं वही यूज़ कर रही हूँ शुगर। एंड देन मैं नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ एंड नॉर्मल मिक्स करूँगी। आपका ऐसा नहीं है अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, आप नॉर्मली यूज़ भी कर सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। देन मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देन अपने फेस पे अप्लाई कर। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना फेस वेट कर लिया है। अब गाइज, जब भी ना स्क्रबिंग करें ना, अपना फेस को पहले वेट कर लें, देन अच्छे से आपकी स्क्रबिंग होगी, बिकॉज आप कभी भी ड्राई स्किन में स्क्रबिंग नहीं कर सकते हैं। सो मैंने ना यहाँ पे अपनी पहले फेस वेट कर लिया है, देन मैं अप्लाई करूँगी कॉफ़ी वाला ये जो मैंने पैक बना लिया है पूरा फेस स्क्रब। एंड देन इसे अच्छे से मसाज करूँगी अपने नोज़ के पास, अपने फोरहेड के पास हल्के हल्के हाथों से मसाज करूंगी, जिससे कि सारे जो डेड सेल्स होंगे, एटलीस्ट आपको ना 2 मिनट्स तक तो करना चाहिए फेस स्क्रब, जिसकी आपकी जो सारे सेल्स हो जाए, जो डेड सेल्स होते हैं नोज़ के पास, फोरहेड के पास, चिन के पास, सारे अच्छे से रिमूव हो जाएंगे एंड वो सारे क्लॉग एंड मिनिमाइज हो जाएंगे एंड अच्छे से रिमूव होंगे, जिससे कि आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके स्किन के लिए। एंड मैं इसे अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं गाइस कॉटन पैड लूँगी एंड देन इसे मैंने वेट कर लिया है, देन इसे रिमूव करूँगी। आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं, देन इसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी। आपको सिर्फ सिंपल पानी से फेस वॉश करना है, आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। देन मैं इसे पहले अच्छे से रिमूव कर रही हूँ अपना पहले जो मैंने कॉफ़ी का जो रेसिड्यू था, देन मैं यहाँ पर फेस वॉश कर लिया गाइस मैंने। सो गाइज, अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड क्लियर हो गई है। मैंने सारे अपने ये जो मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं स्क्रब, बिकॉज स्क्रब जो होता है ना आपके सारे डेड सेल्स रिमूव कर देता है आपके फोरहेड से, आपके नोज़ के पास से, आपके नीचे चिन एरिया से। सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे ये वाला फेस स्क्रब। एंड आपके घर में ऑलरेडी सारी इंग्रीडियंट्स होंगी, कॉफ़ी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, शुगर हो गया, सब डेफिनेटली एटलीस्ट आपको वीक में 2 बार स्क्रबिंग करनी चाहिए। सो मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी। सो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट गाइज। टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइज़।